पुष्पा। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। भारत ने रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को दी है करारी शिकस्त। भारत ने बांग्लादेश पर 5 रन से दर्ज की है जीत। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अवैसी पर कसा है तंज। अवैसी को बताया है वह हिंदू हैं और उनके पिता तुलसी रामदास थे। चंद्रावली होटल के दिवंगत मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए महिमा गीत कार्यक्रम में हुई मारपीट। सभा के 2 मंत्रियों के बीच हुई मारपीट। गोपाष्टमी त्योहार पर लक्ष्मण गौशाला में गाय की पूजा कर उतारी आरती। क्षेत्रीय विधायक नीरज बोरा कार्यक्रम में रहे मौजूद। कानपुर में गुरुदेव चौराहे पर कमिश्नरेट यातायात पुलिस ने नुक्कड़ नाटक कर लोगों को ट्रैफिक नियमों की दी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। डू और डाई मैच में भारत ने बांग्लादेश को 5 जबरदस्त शिकस्त दी है। भारतीय टीम ने रोमांचक मैच में बांग्लादेश को डकवर्ड लुइस नियम के आधार पर 5 रन से हरा दिया। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट और 184 रन बनाए। बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए 185 रन बनाने थे, लेकिन बारिश के कारण उसे 16 ओवर में 151 रन का लक्ष्य मिला। वह 16 विकेट में 6 विकेट और 145 रन ही बना सकी। हिंदू सनातन धर्म में गोपाष्टमी त्यौहार का काफी महत्व है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम स्थित लक्ष्मण गौशाला में गोपाष्टमी के पर्व पर गाय की पूजा की गई, जिसमें गाय को नहलाकर उसका तिलक व दूध व नैवेद्य चढ़ाकर परिक्रमा की गई। वहीं इस खास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल रहे। साथ ही क्षेत्रीय विधायक नीरज बोरा भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्र के बीजेपी विधायक नीरज बोरा ने कहा कि गाय की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। साथ ही सूबे के मुखिया सीएम योगी की जमकर तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गौ सेवा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मैं गजेंद्र सिंह, प्रबंधक श्री लक्ष्मण गौशाला। आज लक्ष्मण गौशाला में गोपाष्टमी का पर्व मनाया गया, जिसमें कि यूपी कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी और स्थानीय विधायक नीरज बोरा जी उपस्थित रहे और यहां पे गौ पूजा का कार्यक्रम हुआ। कहीं गौवंश के मिलता है तो उसको लाके गौशाला सुपुर्द में दिया जाता है। किसानों को भी अतिरिक्त गौशालाओं से भी या सीधे भी किसानों को भी गौ को पालने के लिए दिया जाता है। किसान भी, व्यापारी भी, अन्य सामाजिक लोग भी, सभी लोग गौ के प्रति बड़े समर्पित। हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां जब चूल्हा चढ़ाती हैं तो घर में जो पहली रोटी बनती है वो गौ के नाम की निकलती है। उसके कारण से भी गौ के प्रति श्रद्धा, व्यापारी, छोटा छोटा व्यवसायी, वो भी चाहे 1 रुपये दान निकाले पर प्रतिदिन कोई ना कोई दान जरूर निकालता है गौ माता के लिए। तो गौ का समर्थन लगातार हो रहा है। आज गौ के कारण से जो समाज में तत्कालीन सरकारों के अंदर एक सामाजिक सद्भाव पे हमेशा कुठाराघात होता था, आज सामाजिक सद्भाव बना है। गौ हत्याएं बंद हुई हैं और लगातार गौ का समर्थन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। मैं माने प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और पूरे प्रदेश के लोगों को इस अवसर पर गौ रक्षकों को लेकर आज गौ पूजन के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? देश की रीढ़ जिस प्रकार के गंगा, गौ, गणेश, गायत्री, गीता, इस हमारी जीवन की शैली हैं जिनका संरक्षण हम सब के लिए जरूरी है। गंगा माता का सम्मान होगा तो, गौ माता का सम्मान होगा तो, गणेश पूजन होगा तो, गायत्री पूरी दुनिया को संदेश देने का काम करती है। ये ऐसी समायिका हैं जिनका समर्थन करके हम सब लोग सुरक्षित भी रह सकते हैं, हमारा जीवन भी सुरक्षित रहता है और हमारे जो बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, अगर गौ का सम्मान करेंगी, गौ की सेवा करेंगी, गौ के आजीविका का साधन संपन्न करेंगी तो निश्चित रूप से उन पर भी 33 करोड़ देवताओं की कृपा। मंत्री जी, सैकड़ों हजारे गाय जो है लावारिस घूम रही, उन पर क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी उनके लिए? कहीं इक्का दुक्का घूम रही होंगी, लेकिन जब जब सरकार को पता लगता है उनको पकड़ करके, उठा करके वहाँ से और उनको सही स्थान पर नियोजित करने का काम होता है, गौशालाओं में भेजने का। आज के दिन ही गौ चरण का काम करने का काम शुरू किया था, तब से गोपाष्टमी का पर्व बनता है। भगवान कृष्ण की गौ
गौ का संवर्धन, गौ का वंश और बलराम जी का हल यानी खेती। तो खेती और गौ संरक्षण ऐसे मिला के जो जीव देश की आजीविका है, देश की अर्थव्यवस्था है, वो खेती पर निर्भर है। और खेती तभी संभव है जब किसान और गौधन ऐसा मिलकर के प्रगति करें। जो आज पंचगव्य के द्वारा यानी गाय का घी, गोबर, दूध, दही ऐसा मिला करके जो पंचगव्य से ऊर्जा भी मिलती है, मान्यता है कि गौ के दूध से बुद्धि का विकास होता है। और सब लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी लेने के बाद जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा है और गौ का संवर्धन हुआ है और कोई भी गौशाला में गाय, जितनी गौशालाएँ हैं उन सब में गौओं को आर्थिक मदद भी दी जाएगी, सामाजिक स्तर पर भी बहुत बड़ा काम होता है। और अगर इधर उधर गाय को घूमती हैं तो उनको भी गौशाला में आके बांधा जाता है। मुख्यमंत्री जी पर मुझको लगता है कि आज दोबारा मुख्यमंत्री बने और आज उनकी बात में इतना दम है कि हिंदुस्तान दुनिया भर में उनकी बात की मान्यता होती है, तो मुझको लगता है कि गौओं की बहुत बड़ी कृपा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पर है और उसके कारण से लगातार जो आज काम करते हैं उसको पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। देश भर में यातायात सप्ताह के तहत सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है जिसमें लोगों को सीट बेल्ट, हेलमेट और जेब्रा क्रॉसिंग के उपयोग और शराब पीकर गाड़ी चलाने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। साथ ही यातायात संबंधी सभी निर्देशों के पालन करने को लेकर प्रदेश भर में इस अभियान को अलग अलग ढंग से चलाया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यातायात नियमों को पालन को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस और तमाम जो वाहिनी है वो लगातार काम कर रही है। इस बार अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में एक अलग सी आपको यातायात नियमों में पालन करवाने की अलग सी रूपरेखा तैयार की गई है। यमराज को लाया गया है और यमराज को लाने का मतलब क्या है और इससे लोग ये लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों से हेलमेट लगाने की अपील कर रहे हैं। अब जो हेलमेट नहीं लगाया है उनसे इस बात को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो मैं अपने साथ आपको ऊपर ले चलूंगा। और सबसे पहले हम यमराज से बात करेंगे, हमें ये बताएं कि आप लोगों के पास जा रहे हैं और यातायात नियमों के बारे में समझा रहे हैं, हेलमेट के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कैसा रवैया है लोगों का? देखिए, जो बिना हेलमेट लगा के चला आ रहा है मेरे पास, मैं उसको सीधा सीधा कह रहा हूँ यमलोक चलो मेरे साथ। मेरा भैंसा है नहीं तो मैंने कहा सवारी यहीं से पकड़ लो, यहीं से पकड़ के उनको ले जा रहा हूँ। पहले तो लोग डर रहे हैं थोड़ा, उसके बाद जब उनको बोध हो रहा है कि वो गलती कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद मान जाते हैं, कहते हैं यमराज जी माफ़ कर दो मैं हेलमेट लगा लूँगा, और हेलमेट लगा के कि शपथ लेते हुए मैं उनको छोड़ देता हूँ। परंतु एक बात और है, अब ये लोग सुन तो ले रहे हैं अभी पर मानेंगे है नहीं, जब मानेंगे नहीं तो फिर ऊपर जाएंगे, तो मैं इसी तरह दौड़ता रहूँगा। मेरा ओवर टाइम करवा दिया है, भगवान जी ने भेज दिया कि तुम दौड़ो क्योंकि लोग तो मरते रहेंगे, तुम जाओ पकड़ के लाओ। अब ये बताइए अगर इतने लोग ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर ओवर पॉपुलेशन नहीं हो जाएगा? ऊपर पानी उतना ही है, पेड़ उतना ही है, कैसे रखेंगे? अब वही होगा, इतनी जगह है, ज़्यादा आत्माएं भर जाएंगी तो ऊपर से गिरेंगी, फिर यहीं भूत बन के घूमेंगी, आपको परेशान करेंगी जी। तो इसलिए जी, तो देश दीपक जी आमतौर पर देखा जाता है लगातार आप लोग हेलमेट लगाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाते हैं, तमाम चीज़ों को उपयोग करते हैं, मगर लोगों में कहीं ना कहीं इसकी कमी दिख रही है हेलमेट की। अभी अगर बात की जाए तो यमराज पैतवे को आप उतारे हैं और कहा जाता है कि आतंकवाद से बड़ा जो एक्सीडेंट में मौत होती है वो उनकी संख्या जाती है आतंकवादियों घटनाओं से, इसको लेके आप क्या कहेंगे और ये पहल कितना कारगर साबित हो रहा है? यातायात माह चल रहा है तो हम लोग जो है यम के माध्यम से हम लोग जो है सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जैसे विदाउट हेलमेट चल रहे हैं, विदाउट सीट बेल्ट चल रहे हैं, या रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, या स्टॉपर लाइन से पहले गाड़ी नहीं रोक रहे हैं, स्पीड से चला रहे हैं गाड़ी, उन लोगों को हम यम के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि देखिए आप जो कर रहे हैं जैसे हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, अनुमान तौर पर देखा जाता है बाइक पर आप देखिएगा एक आदमी हेलमेट लगाया होता है आगे वाला, पीछे वाला नहीं लगाया होता है, तो हम उन लोगों को यही समझा रहे हैं कि आप दोनों लोग हेलमेट लगाइए क्योंकि दोनों की जान कीमती है। कभी भी एक्सीडेंट होता है तो आपने देखा होगा कि जो आगे वाला होता है उसको कम चोट आती है हेलमेट की वजह से, पीछे वाला होता है गंभीर चोट आती है। तो हम लोग जो है ना इसके यम के माध्यम से इनके माध्यम से ये समझा रहे हैं कि आप दोनों लोग हेलमेट लगाइए क्योंकि दोनों की जान कीमती है, इससे क्या है एक्सीडेंट होगा की संभावना कम होगी। दोनों सीट बेल्ट लगाएंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे तो जो गाड़ी में जो एयर बैग होता है वो जैसे एक्सीडेंट होता है तो तुरंत खुल जाता है, इससे क्या होता है कि हम लोगों के जैसे उनको जो कम चोट आती है। तो ये सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट लगाइए, स्टॉपर लाइन से पहले गाड़ी रोकिए, और भी तेज चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है रॉन्ग साइड से एकदम तेज लेके चले जाते गाड़ी, उन लोगों को यमराज के माध्यम से हम लोग समझाना चाह रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ ऐसा ना करिए,
क्योंकि जो है आने वाले एक्सीडेंट में कमी आए कम कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे जो हेलमेट है और तमाम जो सड़कों पर नियम है चलने को यातायात के नियम उसको आप पालन करवा रहे हैं। अगर देखा जाए तो लोगों का क्या रवैया है इसमें, लोगों के अंदर में बदलाव आ रहा है, लोग प्रॉमिसेस कर रहे हैं हम आज आपसे? जी बिल्कुल, हम हमारे पास एक मॉडर्न चित्रकूट बिल आए हैं और जब प्रॉमिस नहीं करते तो उनसे प्लेज करवाते हैं प्रॉमिस करो। वो मॉडर्न चिप ग्रुप हमारे हेलमेट मैन है, येलो कलर की ड्रेस जैसे उनकी रहती थी वैसे ही उनको लाए हैं और जब हेलमेट नहीं लगाए होता है तो एक प्लेज कार्ड लेके उनसे हम लोग शपथ दिलवाते हैं कि आप हेलमेट लगाइए। जब वो कसम खा लेते हैं उसके बाद ही उनको छोड़ते हैं, नहीं तो उनकी गाड़ी मेरी। जी बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ आपने देखा कि यमराज थे, अभी अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में यातायात माह चल रहा है और तमाम जागरूकता के पैतरे अपनाए गए हैं, वहीं राजधानी लखनऊ में यमराज और उनके चित्र गुप्त को सड़कों पे उतार कर और कहीं ना कहीं लोगों को हेलमेट और जो तमाम नियम है उसको पालन कराया जा रहा है। कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। कानपुर के गुरुदेव चौराहे पर कमिश्नरेट यातायात पुलिस ने नुक्कड़ नाटक कर लोगों को ट्रैफिक नियमों के लिए जागरूक किया है, साथ ही बिना सीट बेल्ट हेलमेट तीन सवारी वाले चालकों को हिदायत भी दी है। यातायात माह पर अलग अलग तरीकों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान काटकर कार्रवाई भी की जा रही है। यातायात माह में लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग ढेर सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। जो कार्यक्रम के कड़ियां हैं और सबसे पहले हम लोग स्कूल कॉलेज में जाकर के छात्र छात्राओं को जागरूक कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो नुक्कड़ नाटक है, निबंध प्रतियोगिता है, क्विज है, गुरुदेव चौराहा पर ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था, जिसमें मंडली के कई सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया, लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया। लखनऊ में पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से खोए हुए आम नागरिकों के मोबाइल की खोज निकाला है। आपको बता दें कि 3 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद दिल्ली, उड़ीसा समेत कई जगहों से 17,50,000 की कीमत वाले मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। डीसीपी प्राची सिंह ने अपने कार्यालय में मोबाइल मालिकों को बुलाकर उन्हें अपने मोबाइल सौंपे। जो लॉस्ट एंड फाउंड आर्टिकल्स की लिस्ट हम लोग को मिलती है कमिश्नर कार्यालय से, उसके तहत हम लोग ने अभियान चलाते हुए पिछले 3 महीने में कुल 51 मोबाइल्स की बरामदगी की है। इन 51 मोबाइल्स की बरामदगी जो हुई है इनकी लगभग कीमत 17,50,000 रुपए है और ये डीसीपी पूर्वी की सर्विलांस सेल जो है उनके द्वारा किया गया है। इसमें वन प्लस के 2 मोबाइल, वीवो के 13, सैमसंग के 7, ओप्पो के 13, रियलमी के 6 मोबाइल, रेडमी के 8, मोटरोला 1 और अन्य भी जो कंपनीज हैं उनके भी मोबाइल इसमें बरामद हुए हैं। आज सभी जो मोबाइल धारक हैं उनको बुलाया गया है और उनको मेरे द्वारा मोबाइल का वितरण किया गया है। और इसमें जो पुलिस टीम जिसकी अहम भूमिका रही है वो उपनिरीक्षक रजनीश वर्मा, उपनिरीक्षक अजीत पांडे, रामनिवास शुक्ला, ब्रजेश बहादुर सिंह, राजीव कुमार, रिंकू कुमार, विशाल कुमार, हितेश सिंह, ये सभी लोग सर्विलांस सेल में तैनात हैं। इनके द्वारा एक बड़ा अच्छा कार्य किया गया और आगे भी हम लोग इस प्रकार के कार्य करते रहेंगे। बलिया में चंद्रावली होटल में दिवंगत मुलायम सिंह यादव नेताजी की महिमा गीत विमोचन कार्यक्रम का आगाज हुआ। इस दौरान मंच पर कुर्सी को लेकर सपा के 2 मंत्रियों के बीच में जमकर तूतू मैमै हुई है। दरअसल कार्यक्रम में पूर्व मंत्री व्यास जी गौड़ और काशीनाथ यादव के बीच जमकर विवाद हुआ। इस दौरान मंच पर सपा के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी सहित समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। खबर यूपी के गोंडा जिले से, जहां बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अवैसी की पोल खोलते हुए नजर आए हैं, जहां उन्होंने बोला कि यहां जब अवैसी की गारंटी देते हैं कि अवैसी हिंदू थे, उन्होंने बोला कि अवैसी के पिताजी तुलसी रामदास थे जो कि हिंदू थे, साथ ही उन्होंने बोला कि रिजवान खां का परिवार भी हिंदू था और सांसद ने मंसूर खां को भी ठाकुर बताया और कहा कि मंसूर खां का परिवार ठाकुर था। वैसी का तो गारंटी देता हूँ, ओवैसी के बाबा के पिताजी का नाम तुलसीराम दास था, उनको तो मैं गारंटी कहता हूँ हिंदू थे। आप भी चले जाइए पढ़ लीजिए। और आजम खान साहब के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है और उनके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन रिजवान खान के बारे में जानकारी है ये हिंदू थे, मसूद खान के बारे में जानकारी है ये कलहन ठाकुर थे, महफूज के बारे में जानकारी है ये भी ठाकुर थे। जहाँ जानकारी है वहाँ बोल रहा हूँ और जहां तक मुझे इतिहास की जानकारी है, जैसे गोंडा के
तमाम मुस्लिम हैं जिनको मैं जानता हूँ, कोई वैस ठाकुर रहा है, कोई कलांस रहा है, कोई साईं रहा है, तो मैं उनको अपना पटीदार ही मानता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ठीक है, आप 3 फुट 4 फुट पहले कन्वर्ट हुए, क्या परिस्थिति थी, क्या गलती हुई, लेकिन भाई आप इतना जानो कि आपके बाबा और हमारे बाबा भाई थे, बस इतना जानो, आपस में प्रेम करो। इस खबर पर हमारे साथ गोंडा से अनिल हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अनिल, अवैसी को के पूर्वज हिंदू थे, ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह दावा ठोका है, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल आपको बता दें कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान है, ब्रजभूषण शरण सिंह मुस्लिमों की कुंडली खोल रहे हैं, ओवैसी की गारंटी देता हूँ कि हिंदू थे ये ब्रजभूषण शरण सिंह ओवैसी को बाबा के पिता दी तुलसी रामदास थे। ओवैसी के बाप के बारे में मैं तो सही जानता हूँ कि ब्रजभूषण शरण सिंह, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हिंदू थे ब्रजभूषण शरण सिंह, आजम खां के बारे में जानकारी है नहीं है। ब्रजभूषण रिजवान खां के परिवार हिंदू था ब्रजभूषण शरण सिंह, मकसूद खां कलहंस ठाकुर थे, महफूब का परिवार ठाकुर था। जिस परिवार के बारे में मुझे जानकारी है, भूल के कह रहा हूँ कि ब्रजभूषण शरण सिंह आज कल कुंडली खोल रहे थे। जी मनीष जी। जी हाँ अनिल, ब्रजभूषण शरण सिंह ने रिजवान खां को परिवार को भी हिंदू बताया, सांसद मसूद खां के परिवार को ठाकुर बताया है। फिलहाल ये एक बड़ा सियासी घमासान हो सकता है। फिलहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ के जानकीपुरम अजनहर गांव में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। झगड़े के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे चले और जमकर फायरिंग भी हुई है, जिसमें बीजेपी नेता समेत कई लोगों को घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। झगड़े के दौरान एक व्यक्ति को गंभीर चोटें भी पहुंची हैं, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। दोपहर को जानकीपुरम पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक अजनहर गांव है जहां पर दो पक्षों को लेकर के आपस में मारपीट हुई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पता चलता है कि गांव में आज पैमाइश हो रही थी और दो पक्षों के बीच में इस चीज को लेकर के वहां पर विवाद हुआ है, जिसमें कुछ लोग चोटिल भी हुए। जो मजरूब थे उनको तत्काल सीएचसी रिफर किया गया, वहां से उन लोगों को प्राथमिकी इलाज के लिए भावराव देवरस वो लोग भेजे गए हैं। अभी दोनों पक्ष क्या कारण था, क्या एग्जैक्ट रीजन था लड़ाई का, वो भी अभी पता करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। खबर संभल के बैजोई कोतवाली क्षेत्र से, जहां पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि आरोपी खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करता था। अभी तक आरोपी लगभग दर्जन भर लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है। गिरफ्तार आरोपी के पास से मोबाइल, आधार कार्ड और पुलिस की वर्दी बरामद हुई है। वहीं एसपी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर मीडिया के सामने पेश किया। आज बहजोई पुलिस तथा एसओजी की टीम के द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम संदीप पाल पुत्र विजय पाल सिंह है। ये थाना असमौली के अंतर्गत ग्राम असमौली का रहने वाला है, वर्तमान में ये अमरोहा जिले में रह रहा है। इसके द्वारा एसपी संभल का पीआरओ अपने आप को बताते हुए तथा एडीजी जोन बरेली का पीआरओ कुछ लोगों को बताते हुए कुछ लोगों से मुकदमे में मदद कराने के नाम पर अवैध वसूली की गई थी। जब इस तरह की कंप्लेंट हमारे यहाँ प्राप्त हुई तो हम लोगों के द्वारा इसको ट्रेस करने की कोशिश की गई। इसमें अभी 3 कंप्लेंट प्राप्त हुई हैं, जिनके आधार पर थाना हजरत नगर गढ़ी में मुकदमा अपराध संख्या 225/22, थाना हयात नगर में 286/22 तथा थाना बहजोई में 594/22 धारा 386-388 के अंतर्गत पंजीकृत किए गए हैं। इसके जब इसको गिरफ्तार किया गया तो इसके पास से पुलिस की पूरी यूनिफॉर्म, 2 फर्जी पुलिस के आई कार्ड, 2 मोबाइल, 4 एटीएम कार्ड था, आधार कार्ड। यातायात मार्ग के दूसरे दिन अंबेडकर नगर पुलिस ने वाहन चालकों और स्कूली छात्र छात्राओं को यातायात नियमों को लेकर जागरूक किया जा रहा है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन से वाहन चलने वाले व्यक्तियों को हेलमेट लगाने तथा नशे जैसी हालत में गाड़ी न चलाने की सलाह भी दी जा रही है। कुशीनगर में बेहद शर्मनाक और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि गेस्ट हाउस में देव व्यापार का खेल चल रहा था।
सूचना मिलते ही पुलिस ने गेस्ट हाउस पहुंची, जहां पुलिस ने 8 पुरुषों और 4 महिलाओं को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। पुलिस टीम द्वारा हमारे निरीक्षक के नेतृत्व में चेकिंग और बाजार में भ्रमण किया जा रहा था, उसी समय मुखबिर द्वारा उनको ये सूचना मिली कि कसिया में एक सवेरा जगह है, वहाँ पे एक होटल है, वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा अपने व्यापार में जो सम्मिलित है उनके द्वारा कुछ खराब देखा गया, जिस सूचना पे उनके द्वारा सूचित किया गया। हम लोगों ने पूरी टीम वहाँ पे जाकर के किया, जहाँ पे सूचना सही मिली, जिसमें 8 पुरुष 4 महिलाएं अनैतिक व्यापार में संलिप्त मिले, जिनमें विधिक तरीके से कार्रवाई की गई है, होटल को सील किया गया है और बाकी विधिक कार्रवाई की है। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां मोहनलाल महिला चिकित्सालय में कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने सीएमएस कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि सीएमएस के आला अधिकारी बिना किसी सूचना के उनकी सेवा समाप्त कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में सीएमएस के अधिकारियों ने बताया कि जिस कंपनी से कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है, जिसके कारण कर्मचारियों का भी कार्यकाल समाप्त कर दिया गया है। अधिकारियों का आरोप है कि कर्मचारी बेवजह प्रदर्शन कर रहे हैं। योगी सरकार में और प्रदेश की सरकार से वो रोजगार सृजन कराने के लिए प्रमाण पत्र दे रही है, नियुक्ति पत्र दे रही है, वहीं जो दूषित मानसिकता के और सरकार को बदनाम करने का जो कार्य कर रहे हैं वो सीएमएस जो महिला अस्पताल की हैं, ऐसे लोग सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। वहीं अवनी परदी की तरफ से 40 कर्मचारी यहाँ पर नियुक्त हुए हैं, वहीं बाल्मीक समाज के केवल 11 सफाई कर्मचारी सीएमएस द्वारा निकाल दिए गए, जबकि हमने कल मैंने खुद बात की अपनी परदी में, वो कह रहे हैं कि भाई अधिकारी नहीं है सीएमएस को, उनको हटाने का कोई प्रावधान ही नहीं है, उनको कोई हक ही नहीं है हटाने का, तो वो अपनी नौकरी करते रहें, लेकिन उन्होंने हाजी लगाने के रजिस्टर को ताले में बंद कर देती हैं सीएमएस। हमारे यहाँ एमसीएच बिल्डिंग है, इसमें 10 कर्मचारी सफाई कर्मचारी और एक माली कार्यरत थे आउटसोर्स कंपनी अपनी परदी से। अब क्लीनिंग एंड गार्डनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दूसरी कंपनी को चला गया है, वो भी कार्य कर रही है, तो दो कंपनियों की डुप्लीकेसी होने की वजह से हमारे पास ऑडिट ऑब्जेक्शन आया कि नहीं मैडम ये डबल पेमेंट हो रहा है, एक ही काम के लिए दो लोगों का पेमेंट नहीं किया जा सकता। उस ऑब्जेक्शन को निस्तारित करने के तहत मैंने ये कंपनी वालों को लिखा कि आप अपने 40 में से 10 सफाई कर्मचारी और एक मालिक को आप वापस ले लीजिए। लखनऊ में AIMIM नेता वसीम वकरम वकार ने मदरसों पर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी, मोहसिन रजा मदरसों के खिलाफ थे, कोशिश करते थे कि मदरसे बंद हो जाएं। साथ ही कहा कि नए राज्य मंत्री दानिश अंसारी दोनों से 4 कदम आगे हैं, मदरसों में NCERT किताबों की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से ये अपील की है कि सरकारी स्कूलों में अरबी और उर्दू की क्लासेस शुरू करी जाएँ। भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी उसमें वसीम रिजवी, मोहसिन रजा ये दोनों मदरसों के खिलाफ थे, मदरसों की जांच कराया करते थे, जबानी खर्च किया करते थे, इनकी कोशिश ये होती थी मदरसे बंद हो जाएं, लेकिन उनके ख्वाब ख्वाब रह गए। इस सरकार में जो नए मंत्री बने हैं, राज्य मंत्री दानिश अंसारी, वो इन दोनों वसीम रिजवी और मोहसिन रजा से भी 4 कदम आगे निकल गए, जाँच भी करा दी, बंद भी कराने में तुले हुए हैं। बंद का मतलब आप जहां दीनी तालीम है वहां आप अपना कोर्स लागू कर रहे हैं। मंत्री जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको बहुत फिक्र है तो आप एक काम कीजिए कि जो सरकारी स्कूल है आप मदरसों में NCERT की बुक्स चालू कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी पैरवी कर रहे हैं। मैं आपसे मांग कर रहा हूं कि जो सरकारी स्कूल है भारत उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के, इनमें आप अरबी और उर्दू की क्लासेस शुरू कराइए, कंपलसरी करिए सब्जेक्ट। खबर लखीमपुर के संपूर्णा नगर कस्बे से, जहां पुलिस को लगभग 8 साल का बच्चा भटकता हुआ मिला है। वहीं बच्चे ने पूछताछ में अपने बारे में जानकारी दी है कि इसके बाद पुलिस बच्चे को सुरक्षित थाने ले गई, जहां उसके खाने और पहनने के लिए कपड़ों का प्रबंध किया गया। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन से संपर्क कर बच्चे को चाइल्ड हेल्पलाइन के हवाले कर दिया गया, जहां बच्चे के परिजनों से संपर्क कर बच्चे को परिजनों के हवाले कर दिया गया है।
लखनऊ के पूर्वोत्तर रेलवे मंडल में 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में आज मंडल रेलवे प्रबंधक कार्यालय के भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत विषय पर वाद विवाद एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। वहीं इस वाद विवाद एवं निबंध प्रतियोगिता में कई विभाग के रेल कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।